हाय गाइज, माय नेम इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, काफी समय हो गया कि यूट्यूब पे मैंने अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। और अपलोड इसलिए नहीं किया कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो उसके कारण मैं शूट ही नहीं कर पाया। और साथ ही साथ आप सभी को पता है अभी शादी ब्याह का सीजन चालू था, तो मैं डीजे में बिजी था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि वीडियो शूट करने के लिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अभी मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। देन गाइस, प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी आ गई थी कि मैं कुछ वीडियो शूट कर ही नहीं पा रहा था। और वो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा मोबाइल है वो मोबाइल यानी फूट गया था, यानी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो मेरे पास कोई हैंडसेट ही नहीं था वीडियो शूट करने के लिए, इसी कारण से गाइस मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। देन गाइस, अभी फाइनली मैंने न्यू हैंडसेट ले लिया है, और जिसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ओप्पो रेनो 7 5G मोबाइल है। और ये मैं यानी बहुत सोच के मोबाइल लिया हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो वीडियो बनाना पड़ता है। और इसके पहले मेरे पास जो मोबाइल था MI Note 10 था, तो अभी ये थोड़ा कॉस्टली है उससे, यानी थोड़ा महंगा मोबाइल है ये, और मेरा बजट नहीं था, तो उसके कारण मैंने थोड़ा लेट मोबाइल लिया हूँ। तो वो थोड़ा यानी 10-15 हज़ार का मोबाइल था, और ये मैंने अभी फाइनली 30 हज़ार के अंदर ये मोबाइल आया है मेरा। तो फाइनली अभी मेरे पास न्यू मोबाइल आ गया है, तो मैं इससे अभी कंटिन्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि भैया आपने मोबाइल लिया तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो क्यों नहीं बनाया। वैसे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई मोबाइल नहीं है कि इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं शूट कर पाऊँ, इसके कारण मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो शूट नहीं किया। देन गाइस, आप मोबाइल की क्लियरिटी देख सकते हो क्योंकि मैं इसी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और इसको मैंने पहले से ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करके रख दिया हूँ। और इसकी मैं शॉर्ट में आपको फीचर्स बता देता हूँ। इसमें 8GB रैम है, 8GB रोम है, 256GB इसकी स्टोरेज है, और 64GB इसका बैक कैमरा है। और फ्रंट कैमरा, एक सेकेंड दिखाऊंगा यहाँ पे, और फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल। ओके, और इसका जो बैटरी पैकअप ये है वो सब अच्छा ही लगा मेरे को, और यूज करने में भी काफी अच्छा लग रहा है। दिन में रिकमेंडेड ये नहीं करूंगा, आप चाहे तो MI का मोबाइल ले सकते हो, एप्पल का मोबाइल ले सकते हो। दिन गाइज, ये मैं ले लिया क्योंकि मेरे बजट में नहीं था, और मेरा डाउन पेमेंट थोड़ा कम था क्योंकि ये मोबाइल मैंने EMI से लिया हूँ, तो इसी कारण मुझे ये लेना पड़ा। तो देन चलिए गाइस, आज का वीडियो करते स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। और आज मैं एकदम छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ, और आज के वीडियो में एक सॉन्ग गाने वाला हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया कि गिटार के ऊपर मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं किया। और आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि एक गिटार के ऊपर वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि अभी मेरे पास फिलहाल कंटेंट नहीं है, और आगे कल से मैं स्लेट पेंसिल से लेकर हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गाइस, आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपने गिटार से, और ये मोबाइल का मेरा पहला ही वीडियो है जो मैं शूट करने जा रहा हूँ। चलिए गाइस, वीडियो करते स्टार्ट। सो गाइस, ये मेरा गिटार है। और सॉन्ग गाने से पहले गाइस, मैं इसके कॉर्ड आपको बता दूं, इसका है ई ओपन, डी ओपन और सी ओपन, ये तीनों कॉर्ड यूज करूंगा आज के सॉन्ग में। और किसी को अगर इसके और कॉर्ड सुना और गिटार में थोड़ी प्रॉब्लम होती होंगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मैं आपको एक चीज और कह देना चाहता हूँ गाइस, कि बहुत से लोग हंसेंगे भी क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत से गिटार की वीडियोस बनाया हूँ, तो मेरी जो वॉइस है, क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 100% दे सकूँ। और आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि गिटार के ऊपर एक वीडियो बना ही दिया जाए। देन गिटार में ओरिजिनल फुल कॉर्ड बजा लेता हूँ, आप चाहे जैसे बोलूंगे वैसे मैं गिटार प्ले कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट वीडियो करते स्टार्ट, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो चुकी है और मेरा छोटा सा ब्लॉग भी बन चुका है। तो चलिए अभी फटाफट से हम गिटार स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज का सॉन्ग गाऊंगा तेरी दीवानी कैलाश खेर का। सो थोड़ा हाई लेवल का सॉन्ग है, तो इसे मैं कम वॉइस में गाऊंगा क्योंकि आजू बाजू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीत की लत मोहे सिलागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को है मैं जाऊं वारी वारी, बेबस लाचार फिरूं मैं हारी में दिन हारी हारी में दिन हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से
से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, यही जान के सजदे में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी खो गई मैं तेरी दीवानी। मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी खो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा दो पहरे रस्ते का जादू सा चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सा चढ़ कर बोले, खूब लगा दो पैरे रस्ते रब बोले। यही इश्क दी मर्जी है, ये रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, ये रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना फाइनली गाइस, आप सभी को मैंने जैसे ही कहा था कि मेरी वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, देन मैंने गाने की फुल कोशिश किया। और आप में से किसी को भी अगर गिटार कॉर्ड्स की गिटार स्ट्रमिंग इसमें कुछ प्रॉब्लम आती होंगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो, और जो भी कुछ है इसका ट्यूटोरियल बना के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज मेरा छोटा सा व्लॉग था, इसके बाद मैं सारे कंटेंट लेके आऊंगा, कॉमेडी वीडियो से लेके स्लेट पेंसिल से लेके हर चीज। और आप में से जितने लोगों के जो कमेंट्स है वो सारे मैं पढ़ता हूँ, और बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करके रखा तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में हर रोज़ अपडेट रहता हूँ। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।